बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक सूप की रेसिपी लाई हूं जिसका नाम है तुर्किश सूप। बड़ी अनोखी यह रेसिपी है और इसका जायका भी बड़ा मुनफरिद होता है। भाई, तुर्किश सूप का आजकल बड़ा चर्चा हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सूप को मैं भी ट्राई करूँ कि इस सूप में ऐसी आखिर है क्या बात। तो सूप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी यखनी तैयार की। यखनी तैयार करने के लिए मैंने 1 पाव के करीब चिकन ले लिया था, हड्डी वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 गाजर जाएगी, 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, दालचीनी के 2 टुकड़े, नमक हसबे ज़रूरत, थोड़ी सी काली मिर्च और 4 से 6 गिलास पानी के डाल के इसको हल्की आंच पे 35 से 40 मिनट तक के लिए यखनी को पका लिया था। अगर आपने इसको प्रेशर में पकाना है तो 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर को दे लें। यखनी मेरी पक के तैयार हो गई थी। तकरीबन 40 मिनट यखनी को पकाने में लगे थे। जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो आप गोश्त को और उसमें जो बाकी चीज़ें डाली थी वो सब अलग कर लें। इस यखनी का इतना मज़े का जायका आया था और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। यखनी आपने बनाने इसी तरह से है क्योंकि यही इसकी ख़ास बात है। यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसमें चिकन पाउडर डाल दिया था और इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया था ताकि पानी यखनी के साथ सही तरह से मिक्स हो जाए। अब हम बाकी का चीज़ें तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है क्योंकि ये सूप ऑलरेडी बहुत हेल्दी है। उसके बाद हम इसमें 5 से 6 अदद लहसुन के जुए डाल के फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसको चम्मच की मदद से ऐसे पीस लें। ये देखें, इस तरह से इसको नरम कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, बारीक बारीक छोटे छोटे से इसके पीस करके अदरक है वो भी डाल देंगे। 1 अदद प्याज शामिल करेंगे। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। कलर हमने इन चीज़ों का चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। उसके बाद 1 छोटी हरी मिर्च बारीक काट के वो शामिल कर लेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये चिकन हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था, इसी पॉइंट पे हम ये चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से बाकी चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें गाजर जाएगी, गाजर हम इसमें श्रेड करके डालेंगे। अब इसमें 1 अदद शिमला मिर्च, आप जिस मर्जी शेप की डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे जूलियन कट में काटी है। इसके बाद बारीक बंद गोभी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर और थोड़ी सी चीनी। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि सब चीज़ों का टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए। जब सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाएं तो फिर उसमें जो यखनी तैयार की हुई है वो भी हम शामिल कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह इतना मज़े का ये सूप तैयार हुआ था और बनते हुए भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का ये सूप है, आप इस सूप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यखनी शामिल करने के बाद हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखें सब्जियां हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। बस इतना हमने पकाना है कि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट मेरे पास था, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया था। आप चाहें तो इसमें स्पैगेटीज भी डाल सकते हैं। छोटा करके तोड़ के मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया था और अब मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि नूडल्स हमारे गल जाएं। ये देखें, 2 मिनट के बाद हमारे नूडल्स भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें सॉसेस शामिल करेंगे। सॉसेस में मैंने इसमें डाला है सोया सॉस 2 टेबलस्पून भर के और इसमें जाएगा सिरका 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी सॉसेस शामिल कर सकते हैं। ये देखें, आप सॉसेस की मकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में घोल लिए थे और इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी और साथ साथ चम्मच हिलाती जाऊंगी। बहुत ही हेल्दी सूप की ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे डिनर टाइम में भी बना सकते हैं और इवनिंग टाइम में भी बना सकते हैं। ये देखें, सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। 2 अदद अंडे मैंने यहाँ पर लिए थे और उनको अच्छी तरह से फेंट लिया था। आराम से मैंने सारा अंडा इसमें शामिल कर दिया था और चम्मच यहाँ पे फौरन नहीं हिलाना। अब हम इसमें आराम से चम्मच हिलाएंगे।
अगर आप इसमें तेजी से चम्मच साथ साथ हिलाएंगे तो अंडा सारा हमारा मिक्स हो जाएगा। इसको मज़ीद खूबसूरत और जायकेदार बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे हम हरा प्याज। आजकल हरे प्याज का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। लें जी, सूप हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये लें जी, सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई अपडेट्स आपको साथ के साथ मिलती रहें। और मेरी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का तुर्किश सूप आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।